हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो बहुत ही अमेजिंग नवरात्रि थाली रेसिपीज शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती हैं इन अबाउट 60 मिनट्स, एंड आई एम श्योर ये दोनों रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ ये पनीर सब्ज़ी, और इसके लिए मैंने 3 टमेटोज़ लिए हैं जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, और अभी मैं इन्हें ब्लेंडर में डाल रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी 3 ग्रीन चिलीज और 1 इंच जिंजर पीस, और इसे मैं ग्राइंड करके इसका एक फाइन प्योरे बना लूंगी। तो देखिए प्योरी बन चुका है और अब हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है और घी में मैं थोड़ा जीरा ऐड कर रही हूँ, और बस जीरे का थोड़ा सा तड़कने के बाद मैं ये प्योरी भी ऐड कर दूंगी, और ब्लेंडर में थोड़ा पानी ऐड करके इसको रिंस करके पानी भी मैं ऐड कर दूंगी। और अब 5 से 7 मिनट के लिए मैं इस प्योरी को कुक करूंगी, जब तक कि टमाटर का कलर ना चेंज हो जाए। तो देखिए अब ऑयल जो है टमाटर से सेपरेट होने लग गया है, और इसका मतलब है टमाटर कुक हो गया है। तो टमाटर के कुक होने के बाद इसमें मैं 1 कटोरी दही ऐड करूंगी। ये दही रूम टेम्परेचर का दही है, और इसे मैंने थोड़ा सा विस्क कर लिया था पहले ही, और दही ऐड करते वक्त मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, और अब चलाते चलाते इसको मैं कुक करूंगी 1 बॉयल आने तक। इस तरीके से आपका दही फटेगा भी नहीं और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए सब्ज़ी एक बार बॉईल हो चुकी है, अब इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये जो है व्रत का सॉल्ट है, सेंधा नमक, इसे एक बार चला देंगे, और अब इसमें मैं पनीर पीसेस ऐड कर दूंगी। बहुत ही जल्दी सब्ज़ी ये बनके रेडी हो जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। बस सब्जी बन चुकी है और अब इसे मैं गार्निश कर लूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के। नेक्स्ट हम बनाएंगे समा का चावल। तो मैंने ये वाला सामक यूज किया है, और इस कटोरी से मेजर करते हुए मैं आधी कटोरी समा ले रही हूँ, जिसे मैं अच्छे से वॉश करके रख लूंगी। इसको व्रत के चावल, समा के चावल, सामक के चावल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, उसमें जीरा ऐड कर लिया है, और जीरे के तड़कते ही इसमें मैं 2 ग्रीन चिलीज ऐड कर दूंगी और 1 मीडियम साइज टमेटो ऐड कर दूंगी। और साथ ही साथ इसमें मैं व्रत का नमक भी ऐड कर दूंगी, जिससे कि टमाटर थोड़ा सा जल्दी कुक हो जाएगा। हमें टमाटर को बिल्कुल नहीं गलाना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होते ही इसके अंदर हम अपना चावल भी ऐड कर देंगे। तो देखिए ये चावल मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था, अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, और सेम कटोरी से मेजर करते हुए मैं 3 गुना पानी ऐड करूंगी। तो जितना समा मैंने लिया था उससे 3 गुना पानी मैंने ऐड कर दिया है, और अब इसे मैं एक बार चला दूंगी, और चलाने के बाद कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक करूंगी। तो देखिए जब समा आपका इस तरीके का हो जाए, उसके बाद आप एक पार्ट पानी का फिर से ऐड कर दें, और एक बार चला के फिर से 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लें। तो देखिए चावल आपका कितना खिला खिला बनेगा, और ये चावल बिल्कुल बनके रेडी है। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर लूँगी। इनकेस आप धनिया पत्ता नहीं खाते तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सारा खाना बन चुका है, तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये हरी धनिए की चटनी सर्व कर रही हूँ, ये भी मैंने व्रत के लिए ही बनाई है, और अब मैं पनीर की सब्ज़ी डाल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और फिलिंग भी बहुत होती है। और ये समा का चावल भी मेरा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, तो गर्मा गर्म समा का चावल भी मैंने सर्व कर दिया है। तो देखिए ये हमारी व्रत की थाली कम्प्लीटली रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार इस नवरात्रि, और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब बनाते हैं आज की दूसरी रेसिपी, जो कि है साबूदाने की टिक्की, जो कि सभी की बहुत ही फेवरेट होती है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना लिया है, जिसे मैंने 3 घंटे पानी में सोक करके रखा है, और अभी अच्छे से फूल चुका है। तो इसे मैं सबसे पहले एक लार्ज मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 2 बॉइल्ड पोटैटो को मैश कर लिया है, और ये कुछ पीनट्स को मैंने रोस्ट करके उसका दरदरा पाउडर बना लिया है, ये हम ऐड करेंगे टिक्की में। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर को भी ग्रेट कर लिया है। तो ये सारा सामान मैं साबूदाने की कंटेनर में ही ऐड कर दूंगी, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चॉप्ड ग्रीन चिलीज़,
और थोड़ा सा धनिया पत्ता। अगेन आप अगर धनिया पत्ता नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी के रीति रिवाज बहुत अलग होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और मसालों में मैंने थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड किया है, और अब इस तरीके से मैं मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लूँगी। तो देखिए डो बन चुका है, अब हम टिक्की बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा डो इस तरीके से अपने हाथ में लूँगी और गोल गोल करके, जिस तरीके से हम आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं उसी तरीके से ये टिक्कियाँ भी बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ बनके रेडी हो गई हैं, अब हम इन्हें सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और अब मैं इसके ऊपर अपनी सारी टिक्कियाँ रख दूंगी। आप चाहें तो इन्हें तल भी सकते हैं, अदरवाइज ये नॉन स्टिक पैन पे थोड़े थोड़ा तेल में बहुत ही अच्छी बन जाती हैं, क्रिस्पी बन जाती हैं। तो ऊपर से भी टिक्कियों पे मैंने थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया है, और 3 से 4 मिनट में लो मीडियम फ्लेम पे ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई हैं एक साइड से। तो अब इन्हें मैं पलट लूँगी दूसरी साइड से कुक करने के लिए, और 3 से 4 मिनट में ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में सर्व करने के लिए। तो देखिए ये गर्मा गर्म साबूदाना टिक्की बन के रेडी हो गई है, और इसे भी मैंने हरी धनिया की चटनी और दही के साथ सर्व किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की दोनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए आए हैं। तो फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय, जय माता दी।